सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं, बेस्ड है होटल फ्रंट और ग्रीटर की। और उम्मीद करता हूं होटल इंडस्ट्री रिलेटेड हमने आपको अबंडेंट ऑफ वीडियोस दे रखे हैं, जो हमारे दोनों चैनल पर, पीडी क्लासेस पर और इंटरव्यू गाइड पर आपको होटल रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपनी डेवलप करना चाहते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज और इंटरव्यू की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो आप पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड चैनल्स के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं मोनिका आज आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। मोनिका, आज जो हमारा सेशन है वो होटल फ्रंट और ग्रीटर का है। यस सर। तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि एक फ्रंट और ग्रीटर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। सर, इनके बहुत से वर्क्स होते हैं। इनका काम होता है जो विजिटर्स होटल्स में विजिट करने आते हैं उनको अच्छी तरह से वेलकम करे, एक स्माइलिंग ब्यूटीफुल स्माइल के साथ उनको ग्रीट करे। और जो उनको कुछ होटल्स है जहाँ पर लोग जो कस्टमर्स हैं उनको बुके के द्वारा उनको ग्रीट किया जाता है। सर, कुछ होटल्स में फ्लावर्स की गार्लैंड द्वारा उनको वेलकम किया जाता है। विजिटर्स को अच्छी तरीके से सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ओके, अच्छा क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए अगर हमको फ्रंट डोर ग्रीटर बनना है, तो हमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? सर, उनकी ब्यूटीफुल स्माइल होनी चाहिए, उनको बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उन्हें मल्टी लिंग्वल होना चाहिए, ताकि कई विजिटर्स हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते। और दोस्त बनाने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। और कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो हमें पॉजिटिव वे से उनको कम्युनिकेट करना चाहिए। उनको फर्स्ट इंप्रेशन उनका पॉजिटिव ही होना चाहिए, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों को अच्छे तरीके से हैंडल करें। ओके, और जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और एम्पैथी की भावना होनी चाहिए। सर, ये एम्पैथी से आप क्या समझते हैं? सर, एम्पैथी का मतलब होता है कि अपने पैर को दूसरों के जूते में डालकर देखना। हमें जैसे लोग अपने, जैसे कि हम उनकी जगह हों, तो हमारे लोगों के प्रति क्या उम्मीदें होती हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं। पुटिंग योर फुट इन अदर शूज एंड सी द वर्ल्ड। यस सर, दैट्स ग्रेट। आई हैव हर्ड टेल यू द वर्ड सिंपैथी, मैंने सहानुभूति सुनी थी। और ये जो वर्ड आपने जो एम्पैथी बताया, बहुत यूनिक बताया, रियली इट्स एप्रिशिएबल। और जिस तरीके से आपने बताया कि इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर एम्पैथी बहुत जरूरी है, रियली लाइक दिस थिंग, रियली। चलिए मुझे ये बताइए कि आप इस प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? सर, हमारे देश में होटल जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी तरीके से ग्रो कर रहा है, और मैं इसमें हमें हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है उसमें हमें सीखने का और ग्रो करने का काफ़ी मौका मिलता है। और मैं काफ़ी फ्रेंडली नेचर की हूँ, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर, ये मेरी हॉबीज़ है। तो मुझे लगता है मैं इस प्रोफेशन के द्वारा अपनी हॉबीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ। और मुझे फूड, डाइनिंग एटिकेट एंड जो कॉकटेल्स है उनका काफ़ी नॉलेज रखना काफ़ी पसंद है। Good. और मुझे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पसंद है सर, इसीलिए। Okay. तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आप इंटरेस्टेड हैं। यस सर। मोनिका, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम आपको सिलेक्ट करें? सर, आई एम ए फिलंथ्रोपिस्ट गर्ल, आई लाइक हेल्पिंग न्यू पीपल्स एंड आई हैव ब्यूटीफुल स्माइल। ओके ओके, अब मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक किसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या कुछ रिलेटेड वर्क किया है? यस सर, मैंने एज ए रिसेप्शन एक रेस्टोरेंट में जॉब की है, वहाँ पर मेरा वर्क फ्रंट डेस्क का था। ओके, फिर आप जॉब चेंज क्यों कर रहे हैं? सर, आई वांट टू वर्क अंडर ए बिग बैनर और मैं आपके होटल के साथ जुड़ूंगी, ये मेरी बहुत प्राइड की बात होगी और मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। सो ओके, मान लीजिए आप होटल ग्रीटर हैं और कोई विजिटर आते हैं अंदर और वो बहुत ज़्यादा ड्रंकर्ड है, उन्होंने बहुत ज़्यादा वाइन पी रखी है या बहुत नशे में है, तो उस समय आप क्या करेंगे? सर, वो ड्रंकेड हैं और वो बिहेव अच्छे से कर रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम, बिहेव अच्छे से कर रहे हैं वो, सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर मैं उनके साथ वैसा ही बिहेव करूंगी जैसे बाकी विजिटर्स के साथ करते। ओके, अच्छा ये बताइए कि ये जो वर्ल्ड वाइड जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ये कितने वर्थ की है इस समय? सर, प्रेजेंट में ये $10 trillion की होगी। ओके, तो ये आपका एस्टिमेशन? यस सर। ओके, मोनिका, आपका नाम जो है वो बहुत यूनिक है, मोनिका, तो इसका मीनिंग क्या होता है? सर, मोनिका का मीन्स होता है गुड एडवाइज़र और मैं अपने नाम के काफ़ी सिमिलर हूँ, मैं लोगों को अच्छे तरीके से एडवाइस कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ। आपने बताया आपने होटल इंडस्ट्री में ऑलरेडी, इस पर्टिकुलर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वर्क किया है एंड रेस्टोरेंट। यस सर। तो आपके जो सीनियर्स थे या आपके जो मैनेजर्स थे उनका आपके बारे में क्या विचार है? सर, मेरे सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उन्होंने मेरे काम को काफ़ी अंडरस्टैंड किया है। वो आपके बारे में क्या कहते हैं? सर, मुझे काफ़ी हेल्पिंग नेचर बताते हैं और अपने वर्क को लेकर काफ़ी पैशनेट बताते हैं, अपने टाइम को लेकर पंचुअल बताते हैं। ओके, और आपके कलीग्स जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपने वर्क किया है उनके आपके लिए क्या वर्ड्स हैं? सर, वो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्होंने काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया इस प्रोफेशन के लिए। ओके,
ओके मोनिका, देखिए इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर मान लीजिए आप आते हैं, तो आप जानते हैं कि आपने देखा होगा कि रॉ में और भी बहुत सी क्यू में खड़े लोग कि वो भी इस जॉब में आना चाहते हैं, फ्रंट डेस्क के लिए और ग्रीटिंग जॉब के लिए। तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, आप में ऐसी क्या खूबी है, कुछ हमें अपनी क्वालिटीज बताइए और उन्हें ना करें, ऐसा क्या हो सकता है आप में? सर मैं उन लोगों को तो जज नहीं करूँगी जो मेरी तरह लाइन में खड़े हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं अपने वर्क को लेकर काफ़ी पैशनेट हूँ, हेल्पफुल नेचर और फ्रेंडली नेचर रखती हूँ। सर मुझे वास्तव में एक अवसर चाहिए और आप मुझे सिलेक्ट करते हैं तो मैं अपनी स्ट्रेंथ जो शो करने का मौका मिलेगा और मैं आपके सिलेक्शन को भी काफ़ी जस्टिफाई करूँगी सर। ओके दैट्स गुड। और मोनिका आप टीम में वर्क करते हैं या अकेले काम करना पसंद करते हैं? सर इफ़ नेसेसरी आई कैन वर्क अलोन बट माय प्रेफरेंस इज टीम स्पिरिट, आई एम टीम स्पिरिट। ओके, और मोनिका हमें आप ये बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस क्या है? सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं अपने वर्क काफ़ी जोवियल पर्सनैलिटी हूँ, फिलंथ्रोपिस्ट पर्सनैलिटी हूँ, और मेरी वीकनेस है कि आई एम लिटिल टॉकेटिव, बट मुझे लगता है मैं इस प्रोफेशन में ये मेरे लिए स्ट्रेंथ साबित होगी क्योंकि मुझे लोगों के साथ मिलना है, उनके साथ बातचीत करनी है। बिल्कुल। अच्छा मुझे आपकी हॉबीज़ बताइए कि आपने बताया आपको नए लोगों से मिलना, दोस्त बनाना, इसके अलावा आपकी हॉबीज़ क्या है? सर मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद है सर। ओके, आपने बताया कि आप ऑलरेडी एक जॉब छोड़ के आ रहे हैं, तो कल यदि हम आपको सेलेक्ट करते हैं तो आपको कोई और ऑप्शन दे, कोई और हायर सैलरी दे, तो क्या आप हमारी जॉब छोड़ देंगे? नो सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं अपनी लाइफ में एक रोलिंग स्टोन नहीं बनना चाहती। ओके, तो यू डोंट वांट टू बी अ रोलिंग स्टोन इन लाइफ। यस सर। तो चलिए, आपने बताया कि आप ऑनेस्ट रहेंगी जॉब के प्रति। देखिए ये जो वर्क प्रोफाइल है ग्रीटर खास करके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सीजन के टाइम में बहुत ज़्यादा विजिटर्स पर्टिकुलर होटल में आते हैं, उस समय बहुत भीड़ होती है, तो उस समय आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो ये मान लीजिए कि आपका काम डबल हो जाता है, तो काफ़ी प्रेशर होता है इस काम में, तो आप हैंडल कर लेंगे ऐसे प्रेशर को? यस सर, हमारे लिए कस्टमर ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं और मेरे लिए वर्क इज़ वर्शिप फॉर मी, और मैं अपने आप को उन लोगों के साथ एडजस्ट कर लूँगी उनके टाइम के हिसाब से, और प्रेशर मेरे लिए थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर नेसेसरी क्योंकि हमारी लर्निंग स्टेज है। ओके, अगर हमें सीखने को कुछ मिल रहा है तो हमें प्रेशर से भी गुजरना पड़ता है सर। और आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है हमसे? सर सैलरी नॉट एसेंशियल थिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड जॉब सर्टिफिकेशन आर मोर इम्पोर्टेंट, वर्क इज़ वर्शिप फॉर मी, मनी डजंट मैटर फॉर मी। ओके मोनिका, आपने ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वर्क किया है तो आपको हर तरीके के लोग भी मिले होंगे, तो आपने क्या सीखा अभी तक, क्या वाकई में अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो एक ऐसी क्वालिटी बताइए जो पर्सन में जरूर होनी चाहिए? सर उन्हें जो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सके। ओके, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? सर नाउडेज आई एम वर्किंग अपॉन इट, और मैं अपनी स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले रही हूं। ओके मोनिका, आपके आइडियल कौन है? सर मेरे आइडियल मेरी मॉम है। okay. उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहिए, ये काफ़ी ग्रो वाली इंडस्ट्री है। ओके, जैसा आपने बताया कि $10 trillion yes, वर्ल्ड वाइड इसकी ग्रोथ है, इट्स रियली मैटर्स अ लॉट। आप हमें ये बताइए कि देखिए क्या होगा कि हमारे जो इंडस्ट्री है, इस पर्टिकुलर होटल की जो चेन है उसमें ये रहता है कि हमारे जो होटल्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज में भी है, तो अगर हम आपको कनाडा शिफ्ट करते हैं किसी पर्पस के लिए या वहाँ पर आपको जॉब देते हैं तो क्या आप इजीली वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आप जॉब कर लेंगे वहाँ जाकर भी? यस सर, आई एम रेडी टू गो। कनाडा में मुझे करने जॉब करने के लिए मौका मिल रहा है तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी और मुझे ये पसंद भी है। आई एम वर्सेटाइल स्टूडेंट तो मैं एडजस्ट भी हो जाऊँगी सर इजीली। ओके मोनिका, मान लीजिए कल आपकी मैरिज होती है और आपके इन लॉज कहते हैं कि भाई होटल इंडस्ट्री में आपको वर्क नहीं करना, तो आप क्या करेंगे? सर इस बारे में मैं उनसे पहले ही बात कर लूँगी, और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं वो मेरे लिए राइट मैन ही चुनेंगे, वो ऐसे सोच रखने वाले नहीं होंगे। okay. और मैं अगर फिर भी वो नहीं मानते तो मैं उन्हें काफ़ी एडवाइस करूँगी, उन्हें सलाह दूँगी और उन्हें समझाऊँगी सर। ओके okay. तो आपको लगता है कि आप ये जॉब किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे? नो सर, मैं इस इंडस्ट्री को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मोनिका, आप हमें ये बताइए कि होटल इंडस्ट्री में वर्क करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? सर इनके डिसएडवांटेज हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स से बताया है कि इसके काफ़ी ड्रॉबैक है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके कोई ड्रॉबैक है, बट मेरे जो फ्रेंड्स से बताया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। वो कहते हैं कि जो फेस्टिवल्स होते हैं, कोई इवेंट्स या कुछ बहुत ज़्यादा विजिटर्स वेकेशंस में विजिट करने आते हैं तो उस टाइम हम अपने घर नहीं जा सकते, हम अपने पर्सनल लाइफ को थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे होम सिकनेस नहीं है सर। और एडवांटेज इसकी ये है कि हमें इवेंट्स, नए नए इवेंट्स, रोज़ पार्टीज, नए नए लोगों से मिलना और एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर, सो आई कैन। ओके,
ओके सो दिस इज यू स्टार्टेड योर हॉबी आल्सो टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर ओके मोनिका आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमें दे सकते हैं श्योर सर प्लीज सर आई एम मोनिका शर्मा आई एम वेरी मच सिमिलर टू माई नेम एज आई एम ए गुड एडवाइजर I belong to Sri Ganganagar, which is known as Food Basket of Rajasthan. Okay. I have completed my diploma in hotel management and my hobbies are playing badminton and reading motivational stories. Okay. My strength are I am jovial and philanthropic personality. Okay. Monica, मान लीजिए इस इंटरव्यू में यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? Sir, I believe in try, try again और मैं काफ़ी confident हूँ कि मुझे इस तरह की कोई चीज फेस नहीं करनी पड़ेगी मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा सर ओके और मान लीजिए नहीं होता तो आप क्या करेंगे सर आई बिलीव इन ट्राई ट्राई अगेन और मैं नेक्स्ट टाइम अपनी वीकनेस जो अगर हो सकता है मुझ में कोई वीकनेस होगी तभी आपने मुझे रिजेक्ट किया है सर तो मैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करूँगी नेक्स्ट टाइम फिर से आपके सामने आके बैठ के अपने इंटरव्यू को सक्सेसफुल दूंगी यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक गर्ल राइट यस सर मोनिका आप लव मैरिज करने में इंटरेस्ट रखते हैं या अरेंज मैरिज में सर आई बिलीव इन लव कम अरेंज बट मैं बताना चाहूँगी जैसे लव में हम इमोशंस के साथ बह जाते हैं हमें right. जो दिखाई देता है हम उसके साथ ही चल पड़ते हैं Bilkul. लेकिन जो हमारे पेरेंट्स है वो अरेंज मैरिज में ऐसा होता है कि जो हमारे पेरेंट्स है वो अपने एक्सपीरियंस के दौरान हमारे लिए राइट मैन चुनते हैं Bilkul. तो मुझे लगता है अरेंज मैरिज ज़्यादा बेस्ट रहती है सर दैट्स गुड बीइंग अ गर्ल आप टीचर भी बन सकती थी आप बैंक में भी जा सकती थी आपने होटल इंडस्ट्री में क्यों वर्क चुना सर टीचिंग जॉब एक नोबल प्रोफेशन है मैं उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ बट मुझे ये काफ़ी मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सर मुझे ये बोरिंग जॉब लगती है मुझे चैलेंजेस फेस करना अच्छा लगता है क्योंकि आई एम ए कॉम्पिटिटिव गर्ल सो मुझे चैलेंजेस फेस करना अच्छा लगता है और मुझे ओड आवर में वर्क करना पसंद है सर ओके दैट्स वेरी गुड सो यू आर अ वेरी कॉम्पिटिटिव गर्ल राइट यस सर चलिए वी आर रियली प्राउड ऑफ यू अब समय आ गया जब हम अपने व्यूअर्स को भी छोटा सा टिप देते हैं इंटरव्यू का देखिए दोस्तों यदि आप होटल इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपसे बहुत से क्वेश्चंस पुट अप होंगे मगर एक क्वेश्चन जो मैंने मोनिका से पुट अप किया था कि यदि आपको कोई और कंपनी कोई और होटल कोई और इंडस्ट्री यदि आपको इन्वाइट करती है और जॉब देती है तो क्या आप हमारी जॉब छोड़ देंगे ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है इसे बोला जाता है हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस उस दौरान आपको एक बढ़िया आंसर देना होता है तो आप कह सकते हैं सर एज यू नो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन वन इज जॉब अनदर इज मॉनिटरी व्हेन बोथ दीज सेटिस्फेक्शन मूव्स पैरेलल देर इज नो रीजन ऑफ चेंज एंड एज लॉन्ग एज आई एम ग्रोइंग प्रोफेशनली देर इज नो रीजन फॉर मी ऑल्सो टू मेक अ मूव मोर ओवर सर आई डोंट वॉन्ट टू बी अ रोलिंग स्टोन इन माई लाइफ यदि आप इस तरीके का आंसर देते हैं यू कैन पुट अ बेटर इंप्रेशन इन द आईज ऑफ इंटरव्यूअर और अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं तो मुझे उम्मीद है दोस्तों यदि आपको भी कोई क्वेश्चन लगता है कि सर इसका आंसर क्या हो सकता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछिए मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मोनिका आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया प्राउड ऑफ यू गिव इट अप ब्लेसिंग्स टू यू थैंक यू सर